नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आपका। पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा कल यानी 21 सितंबर से शुरू होने जा रहा है और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 3 दिन का अमेरिकी दौरा खत्म करके स्वदेश लौट आए हैं। हालांकि दौरा 3 दिन का था, लेकिन 6 दिन एक्स्ट्रा उन्होंने विदेश में बिताए। वो कहाँ गए, किससे मिले, किस देश में गए, इसके बारे में कहीं कोई लेखा जोखा नहीं है। यानी कि अमेरिकी दौरे के साथ एक सीक्रेसी का पहलू जो है वो जुड़ा हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने इस दौरे के दौरान कई विवादित बयान दिए। सबसे बड़ा विवादित बयान तो ये रहा कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि भारत में सिख समुदाय के लोग जो हैं उनको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है। वो कड़ा नहीं पहन सकते, वो पगड़ी नहीं पहन सकते और गुरुद्वारे भी नहीं जा सकते। ये बातें राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान कही और उनके इस बयान को अगले ही दिन एंडोर्स किया सिख फॉर जस्टिस के कर्ता धर्ता गुरपतवंत सिंह पन्नू ने। उसने बाकायदा एक लंबा चौड़ा लेटर जारी किया मीडिया में, जिसमें ये दावा किया कि मैं भी तो यही कहता हूं कि सिखों को धार्मिक आजादी नहीं है। भारत में बड़े मुश्किल से वो वहां पर रह रहे हैं, इसीलिए खालिस्तान की जरूरत है। और ताज्जुब की बात यह है कि इस बयान को लेकर देश में काफी शोर शराबा भी हुआ। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने भी राहुल गांधी को लेकर विवादित बयान दिया, उनको देश का नंबर 1 आतंकवादी बता दिया, यहां तक कह दिया कि उन पर तो इनाम घोषित होना चाहिए। और फिर इसके अलावा और मंत्रियों ने भी इसी तरह के बयान राहुल गांधी को लेकर दिए। हालांकि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर अभी तक सफाई पेश नहीं की है। रवनीत सिंह बिट्टू ने जो बयान दिया उसको लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है और साथ ही साथ बीजेपी ने भी अब जाकर राहुल गांधी के इस बयान को लेकर दिल्ली में 2 जगह उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर समुदाय की भावनाओं को आहत किया है। लेकिन अब जो मुद्दा सामने आ रहा है वो बेहद चौंकाने वाला है। पीएम मोदी कल अमेरिका पहुंच रहे हैं, उनका दौरा शुरू हो रहा है और उससे ठीक पहले अमेरिका में जो डीप स्टेट है उन्होंने एक और दांव खेला है। डीप स्टेट से जुड़े लोग कतई नहीं चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के रिश्ते सौहार्दपूर्ण बने। और अब जब अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि बहुत कड़ा मुकाबला है कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, डोनाल्ड ट्रंप बाजी मार सकते हैं और डोनाल्ड ट्रंप हिंदुओं को पसंद करते हैं, वो कितने सारे अपने डिबेट्स के दौरान ये कह चुके हैं कि आई लव हिंदू, आई लव इंडिया। और उन्होंने यहां तक कहा अभी पिछले हफ्ते कि पीएम मोदी फैंटास्टिक आदमी है और वो जब अमेरिका आ रहे हैं तो मेरी उनसे मुलाकात होगी। अब डोनाल्ड ट्रंप का झुकाव भारत की तरफ है, हिंदुओं की तरफ है, ये सबको पता है। और इसी को लेकर डीप स्टेट को एक खतरा लग रहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आ गए फिर तो भारत और अमेरिका के रिश्ते और ज्यादा अच्छे हो जाएंगे और ये बात उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इसीलिए डीप स्टेट ने गुरपतवंत सिंह पन्नू की आड़ में एक नया दांव खेला है। क्या कुछ किया गया है वो मैं आपको बताती हूं। दरअसल अमेरिका की एक कोर्ट ने भारत सरकार को समन जारी किया है। आप सोचिए, अमेरिका की एक अदालत है वो भारत सरकार को समन भेज रही है। डीप स्टेट के एजेंट कहां कहां बैठे हुए हैं ये समझने की जरूरत है। उस संबंध में भारत सरकार से 21 दिन के अंदर जवाब मांगा गया है। खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने अमेरिका के न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिला न्यायालय में एक दीवानी मुकदमा दायर किया था। इसमें पन्नू ने भारत सरकार पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया था। इसे भारत ने अनुचित और निराधार आरोप बताया है। भारत पहले भी इस पर सफाई दे चुका है और आपको याद दिला दूं, पिछले साल दिसंबर महीने में इसी मुद्दे पर अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है एफबीआई, उसके चीफ क्रिस्टोफर रे भारत आए थे। उस वक्त उन्होंने एनएसए अजीत डोभाल से मुलाकात की थी और यही मुद्दा उठाया गया था कि भारत गुरपतवंत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश कर रहा है, इसकी साजिश रची जा रही है। लेकिन तब एनएसए अजीत डोभाल ने दो टूक जवाब दिया था कि भारत ने अभी तक गुरपतवंत सिंह पन्नू को कायदे से हाथ लगाया ही नहीं है और हाथ इसलिए नहीं लगाया है क्योंकि वो सीआईए का एजेंट है। और उसके बाद क्रिस्टोफर रे
इतना समूह लेकर वापस अमेरिका लौट गए थे, उनकी बोलती बंद हो गई थी, उनके पास कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। एनआईए की लिस्ट में गुरुपतवंत सिंह पन्नू नंबर वन आतंकवादी है, उसकी सारी संपत्ति भारत में कुर्क कर दी गई है, लिस्ट भेजी गई अमेरिका को कि वो भारत में मोस्ट वांटेड है। इसके बावजूद अमेरिका गुरुपतवंत सिंह पन्नू को बचाने में लगा हुआ है, और ये एक नया कारनामा जिसे कहते हैं वहां की अदालत ने किया है। आगे देखिए क्या हुआ है। मुकदमे में भारत सरकार के अलावा भारत सरकार के कई महत्वपूर्ण अधिकारियों और लोगों के नाम भी शामिल हैं। ये जो सम्मन जारी किया गया है भारत सरकार के साथ साथ, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल जी का नाम भी है, रॉ विंग के पूर्व प्रमुख सामंत गोयल का नाम है, रॉ एजेंट विक्रम यादव और भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता का नाम भी है। निखिल गुप्ता के बारे में आपको पता ही होगा कि चेकोस्लोवाकिया से उसे गिरफ्तार किया गया था, ये कहा गया था कि उसने किसी को सुपारी दी है गुरुपतवंत सिंह पन्नू को मारने की। चेकोस्लोवाकिया में उसकी गिरफ्तारी हुई निखिल गुप्ता की, बाद में उसका प्रत्यर्पण हुआ और उसे न्यूयॉर्क के कोर्ट में पेश भी किया गया था। ये पूरा मामला पिछले करीब करीब एक साल से चल रहा है और हर बार अमेरिका गुरुपतवंत सिंह पन्नू को बचाने के लिए सामने आ जाता है। और गुरुपतवंत सिंह पन्नू एक नागरिक ही है उनका, लेकिन अमेरिका का पूरा सिस्टम जिस तरीके से उसके पीछे खड़ा है, इससे पता चलता है कि वो गुरुपतवंत सिंह पन्नू की आड़ में भारत पर प्रेशर बनाना चाहता है। लेकिन भारत ने हर बार अमेरिका के इस आरोप का दो टूक जवाब दिया है। आगे देखिए, विदेश मंत्रालय ने खालिस्तान समर्थक आतंकवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नू द्वारा भारत सरकार के खिलाफ हत्या के प्रयास को लेकर दायर मुकदमे को अनुचित और निराधार आरोप बताते हुए इसे सिरे से खारिज कर दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि अब जबकि मामला दर्ज हो चुका है, ऐसी स्थिति में भी भारत के विचार नहीं बदलेंगे। भारत का जो स्टैंड इस मुद्दे को लेकर शुरुआत से रहा है, वही स्टैंड अब भी रहेगा। विदेश सचिव ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा से पहले गुरुवार को कहा, जैसा कि हमने पहले कहा है, ये पूरी तरह से अनुचित और निराधार आरोप है। अब चूंकि ये विशेष मामला दर्ज हो गया है, इससे अंतर्निहित स्थिति के बारे में हमारे विचार नहीं बदलेंगे। भले ही मुकदमा दर्ज हो गया हो, समन भेज दिए गए हो, 21 दिन में समन का जवाब देने के लिए कहा जा रहा हो अमेरिका के एक कोर्ट की तरफ से, लेकिन भारत का स्टैंड किसी भी हाल में बदलने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा, मैं केवल आपका ध्यान इस विशेष मामले के पीछे के व्यक्ति की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसका इतिहास सर्वविदित है। उन्होंने आगे कहा, मैं इस तथ्य को भी रेखांकित करना चाहूंगा कि वो यानी पन्नू जिस संगठन का प्रतिनिधित्व करता है, वो एक गैर कानूनी संगठन है जिसे 1967 के गैर कानूनी गतिविधि के रोकथाम अधिनियम यानी UAPA के तहत ऐसा घोषित किया जा चुका है। ऐसा भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बाधित करने के उद्देश्य से राष्ट्र विरोधी और विध्वंसक गतिविधियों में शामिल होने के कारण किया गया है। भारत पहले ही अपनी स्थिति गुरुपतवंत सिंह पन्नू को लेकर साफ कर चुका है, वो मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, वो अमेरिका और कनाडा में रहकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, खालिस्तान बनाने के लिए वहां पर लोगों को भड़काता रहता है। उसकी पंजाब में अमृतसर और चंडीगढ़ में जितनी भी संपत्ति है उसे एनआईए ने जब्त कर लिया है और इस वजह से वह और ज्यादा बौखलाया हुआ है। लेकिन ताजुब की बात यह है कि उसकी आड़ में अमेरिका किस तरह का खेल खेल रहा है, या अमेरिका का डीप स्टेट किस तरह का खेल खेल रहा है। डर उनको इस बात का है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो भारत के साथ अमेरिका के रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे, और अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हो जाए ये भारत में बैठे हुए कई राजनेताओं के गले भी नहीं उतरेगा। हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले अमेरिका के दौरे पर जाकर क्या क्या कहकर आए हैं, किन किन लोगों से मुलाकात करके आए हैं, डीप स्टेट के एजेंट्स के साथ ही तो उनकी मुलाकात थी। अब सोचिए जो अमेरिकी लॉ मेकर्स के साथ मुलाकात थी जिसमें कि वो उमर भी मौजूद थी, वो क्या था, उन लॉ मेकर्स के साथ जो बैठक हुई उसमें क्या मुद्दे डिस्कस हुए, क्या वो कभी सामने आए, किसी ने उनके बारे में जिक्र किया कि राहुल गांधी ने वहां पर बहुत सारे संवेदनशील मुद्दों पर बात की,
राहुल गांधी तो वहां जिस एजेंडे के तहत गए थे वो एंटी हिंदू एजेंडा ही था, क्योंकि राहुल गांधी ने तो उस दौरे के दौरान बांग्लादेशी हिंदुओं का मुद्दा एक बार नहीं उठाया, भारत को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी, पीएम मोदी को भी डिस्क्रेडिट किया, यहां तक कहा कि लोकसभा चुनाव कंट्रोल्ड थे, मोदी सरकार ने एक तरह से कंट्रोल में कर लिया था चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर काम कर रहा था, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाया, संवैधानिक पद पर बैठे हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने, और डीप स्टेट के लोगों के साथ मुलाकात उनकी होती रहती है, जॉर्ज सोरोस सरेआम एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा लेकर चलता है, और लोकसभा चुनाव के दौरान भी ये करने की पुरजोर कोशिश की डीप स्टेट ने, लेकिन जब हुआ नहीं तो राहुल गांधी के दौरे के दौरान ये सब कुछ किया गया, और अब राहुल गांधी का दौरा खत्म होते ही पीएम मोदी का दौरा शुरू होते ही आप देखिए किस तरह से रायता फैलना शुरू हो गया है, क्योंकि डीप स्टेट को ये लगता है कि वो जिस काम में लोकसभा चुनाव के दौरान कामयाब नहीं हो पाए उस काम को वो अब कर सकते हैं गुरुपतवंत सिंह पन्नू की आड़ में, और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगा कि देखिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी तो यही कह रहे थे जो पन्नू कहता है, तो एक तरह से राहुल गांधी के बयान से पन्नू का जो एजेंडा है वो और ज्यादा मजबूत होता है, इसीलिए पन्नू ने देर नहीं लगाई, तुरंत एंडोर्स किया कि राहुल गांधी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बहुत ही बोल्ड स्टेटमेंट है उनका, और आप देखिए कनेक्शन, राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया सिखों को लेकर, उसको एंडोर्स किया पन्नू ने, और फिर उसके एक हफ्ते के बाद अमेरिका का ये कोर्ट सम्मन जारी कर देता है भारत सरकार को, एनएसए अजीत डोभाल को, रॉ के पूर्व चीफ को, कहीं ना कहीं तो इसका कोई कनेक्शन है, ये समझना होगा कि किस तरह से डीप स्टेट काम करता है, और फिर पीएम मोदी के दौरे से एक दिन पहले ये सम्मन भेजा जाता है, जारी किया जाता है, इन सब घटनाओं का आपस में लिंक है और उसे जोड़ने की जरूरत है। आगे देखिए इस मामले में नवंबर महीने में भी पिछले साल अमेरिकी न्याय विभाग ने पन्नू की हत्या की साजिश में कथित संलिप्तता के लिए एक भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता के खिलाफ अभियोग पत्र जारी किया था। न्याय विभाग ने दावा किया था कि मैनहट्टन में संघीय अदालत में दायर अभियोग पत्र में बिना पहचान वाले एक भारतीय सरकारी कर्मचारी ने हत्या के लिए एक हत्यारे को नियुक्त करने के लिए निखिल गुप्ता नाम के एक भारतीय नागरिक की भर्ती की थी। ये जो निखिल गुप्ता पर आरोप लगे थे जिसको लेकर पिछले साल दिसंबर महीने में एफबीआई के चीफ क्रिस्टोफर रे भारत आए थे, ये वही मामला है। आगे क्या कहा गया कि अभियोग में शामिल आरोप केवल आरोप है और जब तक दोषी साबित नहीं हो जाता तब तक प्रतिवादी को निर्दोष माना जाता है। इस पर भारत ने अमेरिकी सरकार की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन किया था। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत ऐसे छुटपुट को गंभीरता से लेता है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा हितों पर भी असर डालते हैं। भारत ने इसको लेकर जांच पड़ताल की थी लेकिन इसके बावजूद जो सारी जानकारी थी वो शेयर की गई, लेकिन हुआ क्या, एक नई डेवलपमेंट हो गई राहुल गांधी के दौरे के ठीक बाद। अदालत ने बाकायदा सम्मन जारी कर दिया, तो अब जो भारत का स्टैंड है वो वही है, गुरुपतवंत सिंह पन्नू एक आतंकवादी है और अमेरिका उसके साथ क्यों खड़ा है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि भारत पर उसकी आड़ में कहीं ना कहीं कोई प्रेशर डाला जा सके, और भारत इस तरह के प्रेशर्स के आगे अब नहीं झुकता, अब भारत बदल चुका है। और पीएम मोदी का अमेरिकी दौरा जो शुरू हो रहा है, कल 21 सितंबर को पीएम मोदी अमेरिका पहुंच जाएंगे, तो ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि वहां पर पीएम मोदी इस बारे में दो टूक जवाब जरूर देंगे, लेकिन डीप स्टेट भारत के खिलाफ इस तरह की साजिशें कर रहा है ताकि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे ना हो, कहीं ना कहीं उन पर असर पड़े। और फिर सबसे अहम बात यह है कि राहुल गांधी ने भी बिल्कुल वैसा ही बयान दिया है जैसा कि गुरुपतवंत सिंह पन्नू सोचता है, जैसी उसकी विचारधारा है, इसीलिए ये मुद्दा और ज्यादा तूल पकड़ रहा है। अब देखना होगा कि भारत ने अपना स्टैंड तो क्लियर कर दिया है लेकिन पीएम मोदी की यात्रा के दौरान इस मुद्दे को भारत अमेरिका में किस तरह से उठाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे
तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।